अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल करांची प्रॉपर्टी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब्सक्राइबर का जिन्होंने हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को और वीडियोस को लाइक करते हैं। तो आप भी अगर चैनल पर नए हैं, कराची के किसी भी इलाके में आपको सस्ते और अच्छे फ्लैट चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है, हमारी व्यूवर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि स्कीम 33 में चाहिए, तो हम उनके लिए फ्लैट ले आए हैं। 2 बेड DD के साथ आपको छत भी मिल रही है, ये फ्लैट आपको छत के साथ मिल रहा है। 800 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर एरिया है। ये देखिए जी, आपको फ्लैट की पिक्चर से नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्लैट है। ये देखिए जी, रूम में अटैच वॉशरूम भी दिया गया है और गैलरी भी दी गई है। वेस्ट ओपन है, लीज है। इसकी लोकेशन जो है वो है स्टेट बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 33 में आपको ये मिल रहा है फ्लैट। 2 बेड DD के साथ छत भी मिल रही है आपको। 3rd फ्लोर पे है और इसकी जो डिमांड है वो है सिर्फ और सिर्फ 80 लाख। 80 लाख में आपको ये ब्रांड न्यू फ्लैट मिल रहा है। किचन देखिए आप, कितना साफ सुथरा किचन बना हुआ है, कैबिनेट्स लगे हुए हैं, टाइल लगे हुए हैं, ब्रांड न्यू फ्लैट है। आपने बस पेमेंट करनी है और शिफ्ट हो जाना है। अगर आपको भी किसी और इलाके में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कराची के किसी और इलाके में सस्ते और अच्छे फ्लैट चाहिए तो ऊपर दी गई प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और अपना फ्लैट हासिल करें। आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया जा रहा है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके फ्लैट की और मालूमात ले सकते हैं। तो एक बार फिर बता दूँ, ये फ्लैट जो है वो स्कीम 33 में है, 80 लाख इसकी डिमांड है और 2 बेड DD के साथ आपको छत भी मिल रही है। ये ब्रांड न्यू फ्लैट आपको स्कीम 33 स्टेट बैंक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मिल रहा है। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और हाँ, ये बेल आइकन जो नज़र आ रहा है ना, इसको प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको नाजमाबाद में फ्लैट चाहिए इस वीडियो पर क्लिक करें और गुलशन इकबाल में चाहिए तो राइट साइड वाली पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।